7.2 न चलिए इधर और देख ले शुरू से, कहीं भी किसी का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्या किसी प्रकार का किसी कोई दिक्कत होना? प्रश्नावली 7.2 में, प्रश्नावली 7.2 में आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे सब प्रतिस्थापन विधि से रहेगा, समाकलन करना। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन, ठीक है। इलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड रहेगा? इलिमिनेशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, जैसे प्रश्नावली 7.2 में सवाल नंबर, यहाँ पर देखिए पहला आ रहा है, सवाल नंबर पहला कह रहा है इंटीग्रेशन 2x अपान में 1+x² और यहाँ पर लगा दिया dx। सुनो, एक बात सुनो, सुनने लायक बात क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बात सुनने लायक ये है कि 7.2 में आप जो इक्वेशन देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न का लेवल ही कुछ चेंज है। अभी जैसे 7.1 में आपने लगाया था, क्या वैसा है? नहीं है, 7.1 से अलग है, ठीक है, ये एकदम अलग है, ये 7.2। हालांकि इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। हल किस विधि से करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको ज़रा समझिएगा, और बहुत ही शानदार हम एक बात बता दें कि जिन स्टूडेंट को सूत्र इसका याद नहीं है, सूत्र याद होना चाहिए। सेकंड नंबर, ये एक्सरसाइज लगाने के लिए आप सभी को अवकलन के बारे में बढ़िया पता होना चाहिए, अवकलन के सारे सूत्र याद होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्योंकि इसमें अवकलन का भर भर कर प्रयोग किया गया है। बात समझ नहीं? अवकलन का, अवकलन में मैंने इसमें अवकलन का प्रयोग भर भर के किया गया है। बात समझ नहीं है? तो अब देखिएगा कि यहाँ पर सूत्र और एक अवकलन, ये दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुनिए, अब इसे हम लोग करेंगे कैसे भाई, करना कैसे है? कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे लेट, माना टी, इसको टी मानेंगे। देखिए टी किसे माना जाए? टी आप उसे मानेंगे जिसको मानने पर अगला पद मिल जाए। अगर मैं ये टी मानता हूँ, इसका अवकलन करूँगा, एक का 0x² का अवकलन 2x, ऐसे मन में कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 2x ऊपर है, काम बन गया। अगर मैं इसका अवकलन करता तो 2x अवकलन केवल 2, क्या नीचे 2 है? नहीं है, इसलिए हमें लेट इसे करना पड़ेगा। कुल मिला जुला के अगर ये वाला मान रहे तो ये वाला आना चाहिए, अगर ये वाला मान रहे हैं टी तो ये वाला आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी कर पाएंगे। तो लेट टी इक्वल टू, इसे ही मान लेते हैं 1+x², इसका डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, तो डी टी अपान में डी एक्स बच जाएगा, एक का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x बचा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x इंटू में आ जाएगा डी एक्स बराबर में डी टी बचा। किसी तरह डी एक्स का मान निकालना है तो ये वाले प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे? नीचे भेज देंगे। सो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान में आ जाएगा 2x। अब रखिए यही वैल्यू, यहाँ पर रख देंगे इंटीग्रेशन, आ गया 2x बटे का, इतने का हमने क्या मान रखा है? टी इंटू में क्या है? डी एक्स, और डी एक्स के स्थान पर क्या दिया है? डी टी अपान में 2x, 2x 2x की विदाई, इंटीग्रेशन 1/t इंटू में आ गया डी टी, 1/t का आ जाएगा log mod of t प्लस में c आ गया, यहाँ पर आ जाएगा log mod of t, और t बराबर आपने क्या मान रखा है? 1+x² प्लस में क्या गया? c, ऐसे लगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दो नंबर देखते हैं, दो नंबर में ऐसे करना है और आप लोग बताना कैसे होगा, ठीक है भाई। चलिए दो नंबर देखिए क्वेश्चन, दो नंबर में कह रहा है इंटीग्रेशन log x अप का होल स्क्वायर अपान में x dx। अब यहाँ सबसे पहला काम आ गया लेट, माना किसे माने? देखिए
अगर इसे मानेंगे क्या ये आएगा? नहीं। लेकिन इसे मानेंगे तो क्या ये आएगा? हाँ आ जाएगा। लॉग एक्स का अवकलन 1/x, तो यहाँ पर टी बराबर लॉग एक्स मान लीजिएगा, तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी अपान में डी एक्स बराबर लॉग एक्स का अवकलन 1/x, इसका मल्टीप्लाई करिए डी एक्स बराबर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स इंटू क्या आ गया डी टी। चलिए भाई यहाँ पर कर देते हैं इंटीग्रेशन, आपने इसे टी मान रखा है, अपान में क्या बचा है एक्स, इंटू में आ गया डी एक्स और डी एक्स बराबर क्या आया है एक्स इंटू डी टी, क्या एक्स एक्स से जाएगा? हाँ, तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर इंटू में आ गया डी टी, यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा एक्स पावर एन डी एक्स बराबर में एक्स पावर एन प्लस वन अपान में एन प्लस वन प्लस सी, यही लगा दीजिएगा तो टी का पावर 2+1/2+1 प्लस में सी, टी का पावर 3/3 प्लस सी, टी बराबर आपने लॉग एक्स मान रखा है सो लॉग एक्स का पावर 3/3 और प्लस में क्या लग गया सी। ठीक है, इस लेवल का क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, बताया कि नहीं बता, बता रखा है। आइए अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है थर्ड नंबर इंटीग्रेशन 1/x + x, यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स और लगा दीजिए डी एक्स, देखिए एक्स और एक्स मिल रहा है कॉमन ले लीजिए, 1/x कॉमन लेबा तो यहाँ 1+ केवल बचेगा लॉग एक्स और यहाँ लगा दीजिए डी एक्स, यहाँ पर लिट माने माना टी बराबर मान लीजिए 1+ लॉग एक्स, यहाँ पर आ जाएगा डी टी अपान में डी एक्स बराबर 1 का 0 लॉग एक्स का 1/x, एक मल्टीप्लाई करी है तो ये डी एक्स बची, एक इसका करिएगा तो एक्स इंटू क्या बचा है डी टी। चलिए रखते हैं इंटीग्रेशन 1/x इंटू इतने को आपने क्या मान रखा है टी, तो यहाँ टी इंटू में डी एक्स, डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा एक्स इंटू डी टी, क्या एक्स से एक्स जाएगा? हाँ, 1/ में क्या आ गया टी इंटू में क्या बचा डी टी, 1/t का क्या आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी और टी बराबर क्या दिया है 1+ लॉग एक्स और प्लस में क्या आ गया सी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बस यही दो बातों को याद रखना है, एक तो आपको क्या करना है माना किसे जाए, सेकेंड नंबर डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, अगर ये दो बातें आप लोग ध्यान देंगे तो काम बन जाएगा, अन्यथा आप जानिए आपका काम जानिए, बात समझ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखिए, सभी लोग देखिए प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए, चौथा नंबर प्रश्न इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन, यहाँ पर दिया हुआ है कॉस एक्स डी एक्स लगा दीजिए, यहाँ पर लेट यानी माना इसी को मान लीजिए टी बराबर आ गया कॉस एक्स, डी टी अपान में डी एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस में साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर में आ गया डी टी, इसे नीचे भेज दीजिए तो डी एक्स बराबर डी टी अपान में माइनस में साइन एक्स आया, इंटीग्रेशन में यहाँ साइन एक्स है इसे रहने दीजिए, साइन ऐसे ही नोट कर लीजिए, कॉस एक्स को आपने टी मान रखा है, इंटू में आ गया डी एक्स और डी एक्स बराबर में आ जाएगा डी टी अपान में माइनस में साइन एक्स, ये और ये गया, अगर माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा साइन टी इंटू में डी टी माइनस साइन टी का समाकलन माइनस में कॉस टी हो जाएगा और प्लस में लग गया सी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी आ जाएगा कॉस टी, टी बराबर आपने क्या मान रखा है कॉस एक्स और यहाँ प्लस में क्या लग गया सी, ऐसे होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, नियम सब में एक जैसे चलेंगे, जो दो बातें हमने आपको बताया वो ध्यान देना बस, अगर वो दो बातें आप दिमाग में ले रखेंगे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या पांचवा, पांचवा नंबर में इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी और लगा दीजिए डीएक्स। किसी को मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देंगे माना या लेट टी इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा डी टी अपान में डी एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और इसका कर देंगे तो जीरो, ए एक्स अवकलन केवल ए, डी एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए तो डी टी अपान में आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी आ गया। ये देखिए यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, इसी का आपने टी मान रखा है, रहने दीजिए, इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी ऐसी है, डी एक्स, डी एक्स बराबर क्या दिया है डी टी अपान में ए कॉस ए एक्स प्लस बी, क्या इसे इसे जाएगा, हाँ, एक बटा ए बाहर ले लें, बचा टी इंटू में डी टी पावर ए वन अपान ए, इसका कर देंगे पावर दो बटा दो प्लस में सी, यहाँ पर आ जाएगा वन अपान टू ए इंटू टी का स्क्वायर और टी बराबर आपने क्या मान रखा है साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी लिख दीजिए और बटे में दो तो लगा ही है और प्लस में क्या आ गया सी। इससे आगे मत करिए, इससे आगे भी लगा सकते हैं फार्मूला में तोड़ के, लेकिन इसके आगे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। कल यहाँ तक बताया थी, आज उसके आगे से देखिए। सवाल नंबर छः, कितना प्यार से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लगता चला जा रहा है, आराम से लगता चला जाए, केवल कॉन्सेप्ट आपको पता हो बस, अगर कॉन्सेप्ट आपका ठीक है तो आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स यानी छः, इंटीग्रेशन रूट में, यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस में बी और यहाँ लगा दीजिए डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पर लिख देंगे लेट टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मान लीजिए और डी टी अपान में आ गया डी एक्स, ए एक्स का अवकलन केवल ए और इसका हो जाएगा जीरो और इसका मल्टीप्लाई करिए ए इंटू डी एक्स, बराबर में क्या बचेगा डी टी, इसे नीचे भेज दीजिए तो डी एक्स बराबर में डी टी अपान में क्या आ गया ए आ गया। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन रूट में से टी मान लेते हैं, डी एक्स, डी एक्स के स्थान पर डी टी अपान ए वन अपान ए बाहर ले लीजिए और इसे कर्णी से बाहर निकाल दीजिए तो वन बाई टू इंटू में डी टी वन बाई ए इंटू टी का पावर एक बटा दो प्लस ए, यहाँ भी एक बटा दो प्लस ए और प्लस में सी वन अपान ए इंटू टी का पावर दो एक के दो, दो एक तीन, तीन बटा दो, यहाँ पर दो एक के दो, दो एक तीन बटे का दो प्लस में सी, दो ऊपर चला जाएगा यानी आ जाएगा दो बटे का थ्री ए इंटू टी का पावर थ्री बाई टू प्लस सी, आगे लगा सकते हैं क्या आ जाएगा दो बटे का तीन ए इंटू टी, टी के स्थान पर क्या दिया है ए एक्स प्लस बी का पावर थ्री बाई टू प्लस में क्या आ गया सी। इतना आसान है, इतने इजी वे में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर सातवां, सातवां नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स रूट में एक्स प्लस टू डी एक्स, ठीक। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सातवें में। यहाँ पर लेट मान लीजिए टी बराबर मान लेते हैं एक्स प्लस दो, पहली बात इसी में एक बात समझ लीजिए, अगर मैं एक्स का वैल्यू निकालूँ तो ये दो ऊपर इधर चला जाएगा यानी एक्स इक्वल टू टी माइनस में क्या आ गया टू। अब इसका काम पड़ेगा, इसे कर देते हैं डी टी अपान में डी एक्स, इसका बचेगा एक ही हो जाएगा जीरो, मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स बराबर में क्या आ गया डी टी, बस अब देखिए लग जाएगा आसानी से इंटीग्रेशन एक्स, एक्स के स्थान पर ये रखना पड़ेगा टी माइनस टू फिर इंटू रूट में आपने इसे क्या मान रखा है टी इंटू में डी एक्स और डी एक्स बराबर क्या दिया है डी टी, सब टी में आ गया, काम बन गया मेरा, सब किस में आ गया टी में
और जब सब टी में आ गया तो काम बन गया। इसी का तो जरूरत था कि टी में आवे किसी न किसी तरह। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन, टी माइनस टू ऐसे रहने दीजिए, इसे कड़ी से बाहर निकाल देंगे तो हाफ लग जाएगा इंटू में डी टी। इसका पावर एक है, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें, इसका इसमें करेंगे तो घात जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जैसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन टी का पावर दो एक के दो, दो एक तीन, तीन बटा दो लगा दीजिए डी टी, माइनस में इंटीग्रेशन दो टी का पावर वन बाई टू इंटू में डी टी। एक काम करिए इंटीग्रेशन टी का पावर थ्री बाई टू इंटू डी टी, माइनस में दो बाहर ले लीजिए टी का पावर वन बाई टू इंटू में डी टी आ गया। इसका कर दीजिए समाकलन तीन बटा दो प्लस एक, यहाँ जाएगा तीन बटा दो प्लस एक, माइनस में दो टी का पावर एक बटा दो प्लस एक, एक बटा दो प्लस एक, प्लस में क्या लग गया सी। आगे बढ़िए, यहाँ जाएगा टी का पावर दो एक के दो, दो तीन पाँच, पाँच बटा दो, यहाँ भी पाँच बटा दो, माइनस में टू टी का पावर दो एक के दो, दो एक तीन, तीन बटा दो, यहाँ भी तीन बटा दो, और प्लस में आ गया सी। इसका गुणा ऊपर कर दीजिएगा आ जाएगा दो बटे का पाँच, ठीक है, और टी का पावर पाँच बटा दो, फिर माइनस में दो का गुणा ऊपर कर देंगे दो दूनी चार, तो फोर टी का पावर थ्री बाई टू, और बटे में क्या बचेगा तीन, और प्लस में आ गया सी। तो यहाँ पर लिख देंगे दो बटे का पाँच इंटू टी, और टी बराबर आपने क्या माना है, टी बराबर एक्स प्लस दो, तो एक्स प्लस दो का पावर पाँच बटा दो माइनस चार बटा तीन इंटू टी, टी के स्थान पर एक्स प्लस दो का पावर में थ्री बाई टू, और प्लस में क्या लग गया सी। यहीं लगा के छोड़ दीजिएगा, आगे और करना चाहेंगे आगे करेंगे, इसको तोड़ के रूट में कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग यहाँ तक करिएगा, ठीक है। सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, सातवां नंबर मस्त क्वेश्चन था, इसको लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक। कैसे कैसे लोग हैं ना यार, चलो आगे चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां नंबर, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां नंबर कह रहा है, देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, आठवां नंबर इंटीग्रेशन एक्स रूट में वन प्लस दो एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया डी एक्स, ठीक। तो कैसे लगेगा ये सवाल, ये मानने पर ये आ जाएगा, हाँ भाई आ जाएगा, लेट टी इक्वल टू वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, डी टी अपान डी एक्स कर दीजिए, इसका अवकलन करिए, जीरो दो दूनी चार एक्स, डी इसका मल्टीप्लाई कही दे तो डी एक्स इंटू में कहा आइए फोर एक्स बराबर में डी टी, नीचे भेज दे डी एक्स बराबर डी टी अपान में कहा आइए चार एक्स, अगला चार एक्स। एक काम करिए इंटीग्रेशन एक्स ऐसी रह दे, यहाँ रूट में आपने इसे टी मान रखा इंटू डी एक्स, डी एक्स बराबर डी टी अपान चार एक्स, यहाँ एक्स से एक्स एक बटा चार बाहर, रूट में क्या बचा टी इंटू में डी टी एक बटा चार, इसे कड़ी से बाहर निकाल दीजिए वन बाई टू इंटू में डी टी, एक बटा चार इंटू टी का पावर एक बटा दो प्लस एक, एक बटा दो प्लस एक, प्लस में सी, एक बटा चार इंटू टी का पावर दो एक के दो, दो एक तीन बटा दो, यहाँ दो एक के दो, दो एक तीन, तीन बटा दो, प्लस में सी, दो का गुणा ऊपर हो जाएगा, कितना आ जाएगा एक बटा चार टू टी थ्री बाई टू अपान में तीन, दो दूनी चार न तीन दूनी छः, एक बटा छः टी का पावर थ्री बाई टू, प्लस में सी, एक बटा छः इंटू टी, टी के स्थान पे क्या है वन प्लस दो एक्स स्क्वायर, पावर में क्या आ गया थ्री बाई टू, प्लस में सी। ये आसान क्वेश्चन, ठीक है, सेम से वैसे आप लोग को सॉल्व करना रहेगा।